अब बताओ ना, वो तुम्हें वो भूखकर भूत तो नहीं लग गया भाई साहब? और एक चीज और बता देता हूँ कि तुम दूसरी कोई सी भी चीज ऑर्डर करते हो ना, तो उसको रिटर्न कर सकते हो और तुम्हारे पैसे वापस ले सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती है, जो आप खरीदते हो, वो वापस नहीं होती, वो रिप्लेस होती है। जो तुम यहाँ से वापस भेजोगे वो फिर तुम्हें नई वाली देगा वहां से। मैंने जो कल बोर्ड के वो बुलाए थे ना ईयरफोन, भाई वो डिफेक्टिव निकले। हमारी मम्मी को किसी ने दिया वृंदावन से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई हम दीपावली की वो करने आ गए, सीरीज वगैरह लेने आ गए। हमारे साथ हमारे भाव जी, जो हमें बताएंगे कौन सी लेना है, क्या लेना है। तुमको कौन सी पसंद आ रही है बताओ पहले। ये इसे में नहीं चाहिए, जो ये वाली दिख रही ना, इनमें नहीं चाहिए। इसमें की चाहिए जो फिर, या तो फिर ये जो इधर लग रही है इसमें भी चाहिए, या तो फिर जो उधर थी ना उधर वाली भी चाहिए, जिसको मतलब मज़ा आ जाए, एकदम स्वाद आ जाए स्वाद। बाकी इनमें जो बल्ब है ना, जो दूर दूर है इसमें, है ना, दूर दूर है भाई, देख लो ये इधर थोड़ा एकदम पास पास चाहिए। एक ऐसा भी खरीद लेंगे अपन। कहाँ है तुम्हारा भैया? भाई यही है जो भी है यहाँ पे। इसके अलावा, इसके अलावा स्टार है, स्टार है भाजी, देखो इधर स्टार भी है। एक आधा लगा देंगे बाहर। क्या लगाओगे? क्या लगाऊंगा मतलब, कहाँ लगाओगे मतलब? बाहर की साइड लगा दूंगा। जगह डिसाइड करके लेना। बाहर जो मेन है ना, मेन फ्रंट डोर है ना, वहाँ पे ये लगा दूंगा स्टार। तो ये अच्छा, ये पूरा एक ही सेटअप है क्या? दो है, है। जलाओ इसको, जला के दिखाओ ना। चल रहा है कहाँ? वो तो बंद है वाला, वो इसके बाद इस तरफ चल रहा है। अच्छा ऐसा चल रहा है। चलो पहले सीरीज बता दो फिर ये देखेंगे। भाई इधर अपना दीपावली का सारा सिस्टम चल रहा है, मतलब सारा सामान ले रहे हैं। ये तार वार ले लिया हमने, इधर ये सीरीज ले ली, और क्या लिया, एक ये ले लिया बाहर लगाने के लिए। बाकी भी घर पे जाके लगाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे कैसा क्या है। शाम को लगाऊंगा वैसे मैं, ठीक है निकाल के दे दो इधर। मेरा मन था ना ये भी लेने का, ये बाकी मैं इसको कहाँ लगाऊंगा, अगर उसको लगाऊंगा तो दूसरे के घर पे उजाला जाएगा, इसलिए वो नहीं ले रहा हूँ मैं। बाकी अगर लगेगा तो वो भी ले लेंगे। बाकी इनमें से मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आई, ये थोड़ी सी स्पेशल है। बाकी इधर भी है, ये वाली भी नहीं समझ आई। ये वाली बढ़िया है ना, अपनी सीरीज ये बढ़िया है ना। ठीक है कर दो पैक, चालू करके दिखाना यार, तुम गलती कर देते हो, नहीं तो फिर मेरे को डबल दौड़वाते हो तुम। ये और ये सेम ही है ना, कि ये ओरिजिनल है चाइना है? नहीं नहीं नहीं, वो डेमो में लगा रखी है ऐसा। चलो ठीक है कर दो पैक कर दो। गाइस बहुत बहुत दिनों के बाद, मतलब महीनों के बाद हम आ चुके हैं हमारी बेबी को वॉश कराने के लिए। देख रहे हो तुम, धूल देख लो बस तुम इसके ऊपर, ये गंदी पूरी की पूरी। बगैर आज आज इसको दिलवा के रहेंगे, आज इसको बढ़िया क्लीन करवाएंगे, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है यार। वैसे मैं गाड़ी का बहुत ध्यान रखता हूँ और बहुत सफाई रखता हूँ मैं गाड़ी में। बाकी देख रहे हो ना तुम, टाइम के चक्कर मेरे को यहाँ पे ये। बगैर आज इसको बढ़िया दिलवा के एक नंबर करवा देंगे अपन। भाई मेरी बात सुनो, आराम करके उठाऊँ, आराम करके। मैं कह रहा हूँ कि जैसे दिन में मैंने काम करा दिया गाड़ी का, घर में लगवा दी मैंने सीरीज भी लगा दी, गाड़ी का भी काम करा दिया। जो बाहर जो वाला जो उधर की साइड किधर का गिर गया, इधर जो पट्टा था ना उसको भी मैंने कलर करवा दिया, ओह शिट, मेरे भाई से। और ये भाई हमारी मम्मी को किसी ने दिया वृंदावन से, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कहाँ? वृंदावन से, वृंदावन से लेके आए थे। तो मम्मी को ये दिया, किसी ने दिया है मेरे को नहीं पता किसने दिया, बाकी किसी ने दिया है, वृंदावन से दिया है। वृंदावन से लेके आए थे तो यहाँ लाए और फिर मम्मी को दिया। अब ओ लाइट, लाइट की तो बात अलग है, व्लॉग बनाने के लिए तो हमने इतनी सारी लाइट लगवाई है ताकि उजाला आता रहे। मैं कह रहा हूँ सारे काम निपटा दिए, और मैंने अभी जस्ट पूछा मम्मी से कि कितने बजे खाए। भाई आज तो मेरी मम्मी थोड़ी वैसी हो रही, भुक्कड़ सी भुक्कड़ सी हो रही है मम्मी। सब बता दो आज क्या क्या खाने का मन करा। देखो आज ये पेट खराब है, देख इधर ये पड़ी कड़ी, ये खाने का मन हुआ। और सुबह का बताओ ना, सुबह कड़ी कचौरी,
कड़ी कचौरी खाने का मन हुआ और छोला कचौरी, छोला कचौरी और दही वाली चटनी। वो तुम्हें वो भुक्कर भूत तो नहीं लग गया भाई साहब? मम्मी का पता नहीं क्या क्या खाने का मन कर रहा, फिर अभी कह रहे कि यार मार्केट चल यार। तो मैंने आज भाई आज की हिट बता दो ना कि मैंने कितना खा लिया। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्या सीन हुआ, मैं आज जिम नहीं गया, मतलब ऑफिस से आया, सारा काम मैंने निपटा दिया जो मेरे को निपटाना था। उसके बाद मेरे को लग रही बहुत खतरनाक भूख, तो मम्मी ने कहा क्या बनाओ, मैंने कहा कुछ भी बना लो, तो बोली सेव बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं सेव मत बनाओ, अंडा कढ़ी बनाओ। तो इन्होंने अंडा कढ़ी बनाई, अंडा कढ़ी बनाई और मेरे को रोटी दी, चार रोटी ला के दी, है ना। अब मैंने भूख लगी चार रोटी खा ली, फिर मैंने कहा कि और रोटी ला के दो, तो मेरे को कैसा ऐसा देखो ऐसा आँख फाड़ के बोले कितनी रोटी खाएगा तू आज। मैंने कहा भूख लग रही दो और ला के दे दो, तो मेरे को कितनी रोटी ला के दी, एक रोटी ला के दी। तो मैंने कहा एक ही रोटी दोगे, तो हंस के चले गई मम्मी। फिर बोलती ये सुबह की ये बासी रोटी ले ले, तो मैं कहा नहीं यार मेरे को दिक्कत हो जाएगी। फिर बोले अरे नहीं नहीं तो भाई बासी रोटी खिलाई मेरे को यार, यही है तुम्हारा प्यार। बासी रोटी एक रोटी ला के दे दी, फिर मैंने कहा कि सब्जी ला के दो, तो यूँ कह रही मम्मी आज तो बहुत ज्यादा खाना नहीं खा रहा है। मतलब मैंने कहा यार मैं जिम विम जा रहा हूँ, थोड़ा मोटा वोटा हो जाओ खा पी के। तो मम्मी उसमें भी मेरे को पॉइंट मार रही कि आज तू छह रोटी खा गया, आज तू इतनी सब्जी खा गया, मेरे को वैसा ये वो फलाना दिन का इतनी सारी बात सुना दी मेरे को। और अभी बची है ना सब्जी, अभी तो बची है ना, हाँ भाई मम्मी गिन गिन इतनी चाय थोड़ी दो, मम्मी नहीं चाहिए इतनी, हाँ तो दे दो ना, निकाल के निकालो भैया इतनी चाय नहीं चाहिए। अरे यार मम्मी यार चाय भी ज्यादा ज्यादा पिला रही, जो खाना खाना था वो तो ज्यादा खिला नहीं मम्मी, और चाय ज्यादा पिला रही मेरे को। और भाई ये सारी चीजें तुम्हारे भाई ने आज कंप्लीट कर दी है, और ये सीन था आज का, तो मतलब सारा काम वाम निपटा दिया है। अभी लेट के मैं जस्ट उठा, मैं थक गया था वैसे, खाना खा के मैं मार्केट लेके गया मम्मी को, फिर मार्केट से सामान दिलवा के वापस लाया, फिर मैं यहाँ पे पड़ा था बिस्तर पे। मैंने सोचा थोड़ा लेट लेते हैं, इतना सारा काम कर दिया, तो उसके बाद जस्ट उठा, मैंने सोचा यार ब्लॉग तो इनकम्प्लीट है, ब्लॉग को कम्प्लीट करना जरूरी है, तो फिर ब्लॉग उठाया, ब्लॉग चालू करा तुम्हारे भाई ने। और अभी मम्मी से एक चीज़ पूछना है, वो भी पूछूंगा, मैं सब चीज़ें पूछूंगा, मैं सब बताऊंगा ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं सब देखने को मिलेगा, जो जो मेरी लाइफ में छूटता है ना, जो मैं डिस्कशन नहीं कर पाता मम्मी पापा से, वो भी डिस्कशन करके ब्लॉग के अंदर ऐड करेंगे, तो मैं दिखाएंगे सारी चीज़ें। मैंने जो कल बोर्ड के वो बुलाए थे ना ईयरफोन, भाई वो डिफेक्टिव निकले, आज उसको रिप्लेस करने के लिए ऑर्डर डाला है। उसका जो माइक है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब गाने वगैरह तो सुन पा रहा हूँ मैं, बाकी अगर कोई का भी कॉल आ रहा है तो मैं अटेंड करके उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इधर के जो माइक है ना उससे आवाज़ ही नहीं उधर पहुँच पा रही है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। 5 दिन लिया उसने लाने में, लेके आया उसके बाद मैंने जैसे ही कल तो यूज़ नहीं करे, मैंने आज यूज़ करें तो पता चला कि नहीं यार ख़राब है। तो मैंने आईफोन में यूज़ करा, एंड्रॉयड में यूज़ करा, सैमसंग में यूज़ करा, बाकी ख़राब है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ऑर्डर भी डाल दिया। ये और बड़ी दिक्कत हो गई यार, मज़ा नहीं आया 8 दिन वेट करने के बाद। तो भाई फ्लिपकार्ट वालों और यूज़ वाले दे दिए मेरे को, मतलब उस पर ना नाम आया था शुभम बोट रॉकर्स, उसका नाम आ रहा था ब्लूटूथ का। तो दिमाग ख़राब होगा भाई, तुम फ्लिपकार्ट वालों जो भी जो डीलर है ऐसे भेजते हो, यूज़ वाली चीज़ें मत भेजा करो, ठीक है ना। कौन सी चीज़ कब किसके हाथ लग जाए तो मज़ा नहीं आता यार, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। उसके चक्कर में फ्लिपकार्ट का नाम ख़राब हो रहा है, डीलर के चक्कर में फ्लिपकार्ट का नाम ख़राब हो रहा है, तो ऐसी चीज़ मत करा करो यार प्लीज़। और तुम भी अगर देखो, अगर लो ना तो फिर रिव्यू देख के लिया करो, वैसे तो हमने रिव्यू देख के लिया, बाकी उसके बाद भी दिक्कत आ गई, कुछ भी हो सकता है, तो देख के सारी चीज़ें करना चाहिए, बाकी तुम्हारे भाई के साथ दिक्कत आ गई। तो मैंने तुम्हें ये चीज़ भी बता दी कि ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रख के लेना है ना भाई। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि तुम दूसरी कोई सी भी चीज़ ऑर्डर करते हो ना तो उसको रिटर्न कर सकते हो और तुम्हारे पैसे वापस ले सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है, मेरे को सुनने में आया इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें होती जो आप खरीदते हो वो वापस नहीं होती, वो रिप्लेस होती है। जो तुम यहाँ से वापस भेजोगे वो फिर तुम्हें नई वाली देगा वहाँ से, बाकी तुम्हें पैसे वापस नहीं देगा। अब बताओ ना, बताओ भोजा उठाने वाला मालिक। भाई मैं ना वीडियो एडिट कर रहा था अभी, जस्ट देखो ये बट्स लगा के रखे हुए, तो मम्मी इधर से बिस्तर उठाने के लिए उठा लिया, ऐसा पूरा कूली जैसा यहाँ रख के,
वो कह रही मेरी फोटो खींच, मैं क्या व्लॉग बनाता हूँ। फिर कह रही मम्मी अरे तू रहना ही है, क्या कर रहा है, ये कब दिखा रहा है। मैंने कहा अब तो दिखा दिया, व्लॉग बना लिया। यार मम्मी क्या ही बोलूँ। मम्मी भी अब व्लॉग व्लॉग चढ़ गया मम्मी के यहाँ दिमाग पे, फोटो और व्लॉग चढ़ गया, क्या ये भी कैप्चर कर ले, ये भी कैप्चर कर ले।